ओके, तो आज की क्लास में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन ये वाली जो लेक्चर है वो बिगिनर के लिए नहीं है, है ना। जिन्होंने ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया है उनके लिए है। एक बार जिन्होंने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है उनके लिए ये क्रैश कोर्स की तरह से हम इस वीडियो को हम रिकॉर्ड करेंगे, और इसको अगर आप देखोगे बाद में तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले आपको समझना है कि प्रोग्रेशन क्या है। जैसा कि चैप्टर का जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो प्रोग्रेशन इज व्हाट, प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, जो इंक्रीज होता है। ओके, प्रोग्रेशन की जब भी हम बात करेंगे तो एक सीरीज की बात करता है। ओके, सीरीज की बात करता है, कैसा सीरीज होना चाहिए, पर्टिकुलर सीरीज होना चाहिए, पर्टिकुलर सीरीज होना चाहिए। जैसे कि अब ये तो हमने देख लिया कि प्रोग्रेशन क्या है, एक सीरीज है, सीरीज मतलब पर्टिकुलर सीरीज, और कैसा सीरीज है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। ओके, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। ओके, मतलब आगे बढ़ते जाए या पीछे घटते जाए, वो प्रोग्रेशन है, है ना। अब इसमें अगर आपका चैप्टर जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी हम समझने वाले हैं। तो अरिथमेटिक मतलब क्या हो गया, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई हो। ओके, अरिथमेटिक मतलब क्या हो गया, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई हो। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या हैं आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, है ना। तो ऐसे सीरीज जिनमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम यूज़ करते हैं, ओके, उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखें तो जैसे कि अगर मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ओके, तो इस सीरीज को अगर आप देखोगे, इस प्रोग्रेशन को, ये जो बढ़ रहा है, इस प्रोग्रेशन को अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है, ओके, या आप थर्ड टर्म लोगे, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को लोगे, तो इन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड डिफरेंस है, है ना। क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स, ओके, आर फिक्स्ड, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर फिक्स्ड। तो यहाँ पे अगर आप 4 को 2 से माइनस करोगे, मतलब 2 को 4 से माइनस करोगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 6 में 4 को माइनस करोगे तो 2 आ रहा है। 8 में 6 को माइनस करोगे तो 2 आ रहा है। ओके, है ना। तो ये जो सीरीज जो है जिसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, या थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में डिफरेंस है वो 2 है, ओके, या कोई भी इंटरमीडिएट कोई भी टर्म्स को अगर आप लोगे, जैसे कि 10th टर्म और 9th टर्म, उनके बीच का भी डिफरेंस जो है 2 होना चाहिए, तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये तो हुआ हमारा, जैसे कि अभी हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो अभी हमने कौन सा यूज़ किया है, एडिशन ऑपरेशन को यूज़ किया है। अब इसी सीरीज को अगर आप उल्टा कर दोगे, ओके, उल्टा कर दोगे, इन द सेंस क्या है, जैसे कि अगर हमने इसको 100 से स्टार्ट किया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 100 हो गया, सेकंड टर्म 98 हो गया, थर्ड टर्म क्या हो गया 96 हो गया, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसा ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अब यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, वो भी 2 है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। मतलब क्या हो गया, 98 में अगर आप 100 को माइनस करोगे तो -2 आ रहा है, 96 में 98 को माइनस करोगे तो भी -2 आ रहा है, 94 में 96 को माइनस करोगे तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को यूज़ किया, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ओके, पहले वाले एग्जांपल में हमने कौन सा यूज़ किया था, एडिशन ऑपरेशन को यूज़ किया था, यहाँ पे क्या था, एडिशन ऑपरेशन।
ओके तो ऐसे सीरीज जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज करते हैं, ओके और वो सीरीज जो है या तो बढ़ते जाएगी या घटते जाएगी, ओके एक फिक्स्ड ऑपरेशन से, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस बोलेंगे, ओके अब आपका क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि फाइंड आउट विच सीरीज इज इन एपी, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हाउ टू फाइंड आउट सीरीज इज इन एपी और नॉट, ओके एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके तो यहां पर जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके तो इस सीरीज को देखकर आप बता सकते हो क्या ये एपी में है कि नहीं है, अभी आपको कॉन्सेप्ट मालूम है ना, तो आप बता सकते हो इसलिए, लेकिन अब इसे कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हमेशा याद रखना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके दोनों का जो डिफरेंस है, या फिर आपका थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, ओके इनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ओके मतलब क्या हो गया कि सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। अब ये टर्म्स जो है कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, आप टेंथ टर्म और नाइन्थ टर्म का डिफरेंस भी ले सकते हो, 100 टर्म एंड 99 टर्म का भी ले सकते हो, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का भी ले सकते हो, ओके मतलब क्या हो गया कि आपका जो सक्सेसर है, आपका क्या हो गया सक्सेसर टर्म, ओके से आप अगर प्रीडिसेसर टर्म को आप माइनस करोगे, ओके तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड होना चाहिए, अगर फिक्स्ड आ रहा है तो वो सीरीज क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को हम देखते हैं, जैसे कि 2 में 1 को माइनस करोगे तो 1 आ रहा है, 3 में 2 को माइनस करोगे तो भी 1 आ रहा है, 4 में 3 को माइनस करोगे तो भी 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, है ना, तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ओके कॉमन डिफरेंस, और इसको किससे शो करोगे, स्मॉल डी से, कॉमन डिफरेंस को हम हमेशा स्मॉल डी से शो करते हैं, फर्स्ट टर्म को आप हमेशा ए से शो करोगे, ओके फर्स्ट टर्म हमेशा ए से शो कर होगा, ओके सो दिस इज व्हाट योर बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट योर एपी, है ना। अब इसी में हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ओके तो जनरल फॉर्म कैसे होगा, जैसे देखो अब हमने ले लिया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम किससे शो कर रहे हैं, ए से, कॉमन डिफरेंस को हम किससे शो कर रहे हैं, डी से, कॉमन डिफरेंस को हम किससे शो कर रहे हैं, डी से शो कर रहे हैं, ओके तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर वाला जो सीरीज जो लिया था 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ओके तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया क्या, ए हो गया, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहला रहा है, डी कहला रहा है, ओके तो फर्स्ट टर्म में अगर आप डी को ऐड कर दिए तो सेकंड टर्म मिल जा रहा है ना, तो देखो अगर फर्स्ट टर्म ए है और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2, है ना, तो इस 2 में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिए तो हमने हमको 4 मिल गया, ओके अब देखो a प्लस डी तो आपको क्या मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया, ओके सेकेंड टर्म मिल गया, अब यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, ओके तो देखो 2 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो 2 प्लस 4 इक्वल 6, देखो थर्ड टर्म मिल गया हमको, है ना, और आगे देखते हैं a प्लस 3 इंटू डी,
तो यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू 2, तो क्या हो गया 2 प्लस 3 टू जै 6 इक्वल 8, देखो 4 टर्म मिल गया हमको। ओके, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, सीरीज कैसे इंक्रीज हो रहा है, ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d, थर्ड टर्म के लिए फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d, ओके, फिफ्थ टर्म के लिए ए प्लस 4d, ओके, ऐसा आपका सीरीज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आप कॉमन डिफरेंस को उसमें ऐड करते जा रहे हो। तो अब जैसे देखो, हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, इसमें हमने ए प्लस डी ऐड कर दिया, सेकेंड टर्म आ गया, थर्ड टर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस डी प्लस डी, इट मीन्स ए प्लस 2d, ओके, थर्ड टर्म के लिए। फोर्थ टर्म के लिए हम क्या कर देंगे, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो ए प्लस 3d, ओके। तो ऐसे आपकी सीरीज जो है क्या हो रही है, इंक्रीज हो गया। अब वैसे ही अगर आपको nth टर्म अगर आपको फाइंड करना है, nth टर्म, ओके, ये तो हुआ इस छोटा नंबर है तो आप इजली आप उसको फाइंड कर सकते हो। अब हमको nth टर्म फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1d, दिस इज वॉट योर जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ओके। आप इसे कैसे याद रखोगे, जनरली बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज फिफ्थ टर्म, दिस इज सिक्स्थ टर्म, एंड सो ऑन, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो हमें से याद रखना, देखो फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, सेकेंड टर्म में डी है, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d। इसका मतलब क्या है, अगर आप nth टर्म लोगे तो यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है। देखो थर्ड फोर्थ टर्म के लिए 3 आ रहा है, थर्ड टर्म के लिए 2 आ रहा है, फिफ्थ टर्म के लिए 4 आ रहा है, सिक्स्थ टर्म के लिए 5 आ रहा है, मतलब n से एक कम है ना। तो an nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, वेरी इजी, आर यू गेटिंग, गुड है ना। सो दिस इज व्हाट योर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, अंडरस्टूड टिल नाउ, एनी कंफ्यूजन? वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस, ओके। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सीरीज जो गिवन है वो एपी में है या नहीं। तो फर्स्ट मैं दे रहा हूं आपको -3 -2 -1 0, सेकेंड हमने लिया 3 3 3 3, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया -1.0 -1.50 -2.0 एंड -2.50, ओके। सो दिस इज व्हाट योर सीरीज, तो कैन यू टेल मी विच इज इन एपी और विच वन इज नॉट इन एपी। देखो इसको हम चेक करते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2 माइनस सेकेंड टर्म, सो -2 प्लस 3 इजकल्स टू 1, -1 में अब सेकेंड टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इजकल्स टू 1, है ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका फिक्स्ड है, 1 आ रहा है, इट मीन्स दिस इज इन AP, है ना। ये सीरीज क्या है आपका, AP में। सेकेंड के लिए 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, 0, इट मीन्स दिस इज इन AP, ओके। यहाँ पे देखो -1.5 में आप -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, -1.5 प्लस 1, ओके, -1.5 प्लस 1, तो -0.5, ओके। सेकेंड -2 में आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म को देखो -1.5, तो -2 प्लस 1.5, अगेन कॉमन डिफरेंस इज 0.5, ओके, सो दिस इज ऑल्सो इन AP, ओके, अंडरस्टूड, वेरी इजी। सेकेंड क्वेश्चंस, दिस रेड कलर इज ओके, आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, फॉर AP 3/2 1/2
माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू। ओके, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपको ए फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चंस क्या बोला, फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, तो सीरीज आप देखकर आप इजिली फाइंड कर सकते हो, आप फर्स्ट टर्म हमेशा ए है ना, तो ए इज व्हाट, थ्री बाई टू। ओके, नाउ कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, उसे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, वन बाई टू, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, थ्री बाई टू। ओके, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका टू, वन माइनस थ्री इजकल्स टू माइनस टू अपॉन टू इजकल्स टू माइनस वन। ओके, सो कॉमन डिफरेंस इज वॉट, माइनस वन, दिस इज आंसर, एंड फर्स्ट टर्म इज वॉट, थ्री बाई टू। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ओके ओके, नाउ वी विल स्टार्ट न्यू कॉन्सेप्ट, nth term of an AP, nth term of an AP, ओके। अभी आपने जो देखा वो जनरल फॉर्म ऑफ एन AP था, आप कंफ्यूज नहीं हो ना, है ना, जनरल फॉर्म और nth फॉर्म दोनों अलग अलग होते हैं, nth term और जनरल फॉर्म अलग अलग होते हैं, जनरली बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो जनरल फॉर्म और nth टर्म में या सम ऑफ द nth टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि nth टर्म ऑफ एन AP एंड जनरल फॉर्म ऑफ एन AP इज अ डिफरेंट। ओके, तो देखो nth टर्म ऑफ एन AP का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने पिछला एग्जांपल लिया था 2, 4, 6, 8, 10, ओके एंड सो ऑन, ऐसे आपकी सीरीज चल रही है ना, तो आप फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये आपका रिटन फॉर्म है। तो अगर मैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ टर्म, तो आप इसको देखकर आप आसानी से बता सकते हो कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 10 है। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, तो आप बता सकते हो इसको देखकर। ओके, लेकिन अगर मैं पूछूं कि 100th टर्म की वैल्यू क्या होगी, ओके, तो आप इसको 100 टाइम्स लिखने तो नहीं बैठोगे, है कि नहीं, उसको हम तो नहीं करेंगे, है ना। अब तो उस 100 टर्म की जो वैल्यू है उसको आप कैसे फाइंड करोगे, अभी आपने जो देखा कि जनरल फॉर्म एन AP, है ना, तो जनरल फॉर्म क्या था, ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपका फॉर्मूला था। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ओके, तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 टर्म, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ए 100 टर्म आपको फाइंड करना है। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू है 100, तो 100 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस टू, 2 इंटू टू। ओके, तो 2 प्लस 100 माइनस वन 99 इंटू टू। ओके, तो 2 प्लस 99 टू जा 198 प्लस में 99 टू जा 198 करेक्ट ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 200। तो 100 टर्म क्या रहेगा, 200। वेरी इजी, आगे समझ में। चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि आपकी बुक से ले लेते हैं हम NCERT एग्जांपल नंबर 3। गिवन AP इज 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ये AP गिवन है। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट 10th टर्म, 10th टर्म फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी 10th टर्म बोला है, किसी टर्म की वैल्यू फाइंड करना है, ओके, तो आप क्या करोगे, जनरल फॉर्मूला यूज करोगे।
जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, यहाँ पर एक एन की वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया, तो ए टेंथ टर्म आपको फाइंड करना है। ए की वैल्यू क्या है, 2, एन की वैल्यू 10, 10 माइनस वन, डी की वैल्यू 7 माइनस टू 5। ओके, सो 2 प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 9 इंटू 5 45, सो 2 प्लस 45 47, तो ए टेंथ की वैल्यू क्या आ गया, 47, है ना। तो मतलब टेंथ टर्म इज व्हाट, 47 आंसर। वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, जैसे कि विच टर्म ऑफ एन एपी, अभी तो आपने nth टर्म आपको फाइंड किया, अब क्वेश्चन में आपको कोई एपी की nth टर्म की वैल्यू दे दिया हुआ है, अब उसमें पूछेगा कि वो कौन सा टर्म है। जैसे कि क्वेश्चन देखो, गिवन एपी इज व्हाट, 21, 18, 15 एंड सो ऑन। ओके, अब इसमें फाइंड करना है कि विच टर्म इज माइनस 81, है ना, विच टर्म इज माइनस 81। इसका मतलब क्या हो गया कि ए nth टर्म की वैल्यू जो है आपको दे दिया गया है, ए एन की वैल्यू आपको दे दिया गया है, फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, पहले आपने क्या फाइंड किया था, एन की वैल्यू दिया हुआ था, ए एन फाइंड किया था, अब यहां पे क्या है, ए एन इज गिवन, आपको एन फाइंड करना है। तो इस केस में भी आप जनरल फार्मूला यूज करोगे, तो जनरल फार्मूला इज व्हाट, ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ए एन की वैल्यू कितना है, माइनस 81, ए की वैल्यू कितना है, 21, प्लस एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 21, तो 18 माइनस 21 इज व्हाट, माइनस 3। ओके, तो डी की वैल्यू क्या हो गया, माइनस 3। इसे सॉल्व करो, माइनस 81 इज इक्वल्स टू 21, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 3n प्लस 3। ओके, तो माइनस 81 माइनस 3 माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस 3n, तो माइनस 81 माइनस 3n माइनस 21, तीनों को आप क्या करोगे, सम करोगे, है ना, तो सम करोगे तो क्या हो गया, 1 3 4 4 n 1 5 मींस 105 माइनस 105। ओके, माइनस 3n, बोथ साइड आर इज नेगेटिव, तो माइनस साइन कैंसिल। ओके, सो n विल बी 105 डिवाइड बाई 3, 3 से डिविजल है, 3 वन जा 3, 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, सो n इज इक्वल्स टू 35। ओके, तो माइनस 81 कौन सा टर्म है, 35 टर्म, है ना, सो माइनस 1 इज 35th टर्म ऑफ गिवन एपी आंसर। ओके, वेरी इजी। थर्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, थर्ड केस सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब जैसे देखो, अब इसमें डिटरमाइन करना है आपको एपी, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, ओके, थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। अब यहाँ पे एपी नहीं दिया हुआ है, ना ही आपको nth टर्म दिया हुआ है ना, ना ही आपको n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एपी को फाइंड करना है, लेकिन उसके कोई भी टू टर्म्स की वैल्यू दे दिया गया है, मतलब ए थ्री थर्ड टर्म की वैल्यू है 5 और ए सेवन की वैल्यू दे दिया है 9। टू वैल्यू दे दिया, ना ही आपको फर्स्ट टर्म दिया है, ना ही कॉमन डिफरेंस दिया है। ओके, कोई भी टू टर्म्स की वैल्यू, इंटरमीडिएट वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है ना। तो अब आपको इस केस में
AP फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम जनरल फार्मूला यूज करेंगे, है ना। तो A3 मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गया है, देखो जनरल फार्मूला होता है a+n-1d, ओके। तो यहाँ पे A3 अगर हम लेंगे, इसी में an की वैल्यू 3 अगर हम पुट कर देंगे, तो आपका सीरीज क्या हो जाएगा, a+3-1d, ओके। और है 5 दिया हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू पुट करो, तो a+3-1 2 × d, ओके। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ अब आपको 7th टर्म दिया हुआ है, तो a7 इज व्हाट, a+7-1 d, a7 की वैल्यू है 9, 9 इज इक्वल्स टू a+7-1 6 d, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब आपको लीनियर इक्वेशंस जो सेकंड थर्ड चैप्टर जो आपने जो पढ़ा है ना, उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करने होंगे। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और आपको a और d की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे 5 = a+2d, दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 1, ओके। और 9 = a+6d, इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। तो 9 = a+6d, इसमें आप सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 को, तो 5 = a+2d। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, ओके। तो देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ओके। तो 9 में से 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 4, ओके। 6 में से 2d माइनस हो जाएगा, 4d, ओके। सो d = 4/4 = 1, तो d की वैल्यू आ गया आपका 1, ओके। d की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे d की वैल्यू जब 1 आ गया, ओके, तो a फर्स्ट टर्म क्या होगा आपको फाइंड करना है, ओके। तो d की वैल्यू को हम इक्वेशन या तो 1 में या 2 में, किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे, ओके। तो हम इक्वेशन 1 को ही ले लेते हैं, 5 = a+2d, तो 5 = a+2 × 1, ओके। सो 5 = a+2, तो 5 - 2 = a, सो 3 = a, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो गया, ओके। तो सीरीज क्या हो गया आपका, एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 3, ओके, उसमें डी ऐड कर दो, 4, है ना, देन 5, देन 6 एंड सो ऑन, दिस इज व्हाट योर डिजायर्ड एपी आंसर, वेरी इजी। सो दिस इज व्हाट थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, ओके। एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है, चलो उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, अब चेक करना है, ओके, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, सो लिस्ट ऑफ अ नंबर 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन, ओके। सो दिस इज व्हाट यू आर गिवन एपी। अब आपको फाइंड करना है कि इस एपी में 301 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है ना। तो 301, तो अब आपको क्या करना है, गिवन एपी दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, है ना। तो कॉमन डिफरेंस 11 - 5 = 6, 17 - 11 = 6, देखो तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस, ओके, क्या आया, 6 आया।
फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 5, ओके। तो 301 इसका कोई टर्म है कि नहीं ये फाइंड करना है। इसका मतलब अगर ये 301 इस सीरीज में आएगा तो ये किसी भी nth टर्म होगा, तो आप जनरल फार्मूला यूज करो। तो जनरल फार्मूला क्या है आपका, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन की वैल्यू nth टर्म 301 पुट करके देखो, ए फर्स्ट टर्म 5 प्लस nth टर्म आपको फाइंड करना है, है ना। अगर ये 301 किसी का वैल्यू होगा तो n की वैल्यू निकल जाएगी, तो n माइनस वन डी, डी की वैल्यू क्या है 6। तो 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6 n माइनस 6। सो 301 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6n। तो क्या आ गया, 301 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6n। सो 302 इज इक्वल्स टू 6n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 302 डिवाइड बाय 6। अब ये 2 से डिविजल है, सो 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा। तो n की वैल्यू क्या आया, 151/3। ये फर्दर डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर किस में है, फ्रैक्शन में, ओके। तो कोई भी टर्म फ्रैक्शन में, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, है ना, तो फ्रैक्शन में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, है ना। हमेशा ये किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, है ना, एन की वैल्यू, सॉरी इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर में, ओके। जहाँ ये फ्रैक्शन में आया एन की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि वो टर्म उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, है ना। इट मीन्स 301 इज नॉट इन एपी, ओके। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा, ओके, है ना, तो उसमें एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है हमारा, है ना, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ओके, है ना। मतलब जो सीरीज जो दिया हुआ है, जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8, ओके, ये सीरीज है, एपी सीरीज है, तो इसमें इन सारे टर्म्स का जो सम है उसे हम फाइंड करना सीखेंगे, ओके। जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6, ओके, मीन्स 12। फर्स्ट फोर्थ टर्म उनका सम क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8, ओके, तो क्या हो जाएगा, 4 + 10 = 20, 20 + 8 = 12, 12 + 8 = 20, ओके। तो क्या हो गया, ये इनके टर्म्स के क्या है, सम है, है ना। तो अब जैसे कि सपोज आपका 100 टर्म है, तो आप 100 टर्म्स को हम एक एक करके उसको ऐड तो नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं। तो उसके लिए आपके पास एक जनरल फार्मूला है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स को हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो आपका फार्मूला यहाँ पे है, एस मीन सम ऑफ एंड टर्म इज एन बाई टू बिग ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी। दिस इज द फार्मूला, इस फार्मूला को यूज करेंगे और हम किसी भी nth टर्म तक के वैल्यूज को हम फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a n माइनस वन डी, ओके। इस फॉर्मूला को आप क्या करोगे, यूज करोगे। अब इसी में एक और फॉर्मूला है कि अगर a nth टर्म जो है लास्ट टर्म है, ये क्या है आपका, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म की वैल्यू अगर आपको मालूम है, ओके, लास्ट टर्म की वैल्यू मालूम है, तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज करोगे, s इज इक्वल्स टू n बाई टू, ओके, a प्लस l। लास्ट टर्म की वैल्यू अगर आपको मालूम है, ओके, तो वहां पर क्या रहेगा, n बाई टू a प्लस l, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके, लास्ट टर्म की अगर गिवन है तो। लास्ट टर्म अगर गिवन नहीं है,
तो आप इस फॉर्मूला का यूज करो। ओके अब इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं। चलो क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म, ओके, ऑफ द एपी, एपी की वैल्यू है 8, 3, -2 एंड सो ऑन। तो इस एपी का केवल 3 वैल्यूज दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दिया है, सेकंड टर्म का और थर्ड टर्म का दिया हुआ है, और आपको क्या करना है अप टू 22th टर्म तक के आपको सम फाइंड करना है। ओके है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 डी। ओके ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे s की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, n की वैल्यू क्या हो जाएगा 22 टर्म है ना, तो 22 अपॉन 2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस n की वैल्यू 22, तो 22 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5, साइन को भी आपको कंसिडर करना है, ठीक है, बच्चों से यहाँ पे गलती होती है 3 माइनस 8, अरे 5 माइनस 5 है तो 5 ही ले लेते हैं। ओके तो आपको विद साइन लेना है, तो यहाँ पे आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 वन जा 11, तो 11, 8 2 जा 16 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू -5। ओके तो जब आप इसे और फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 11, 16 प्लस 21 5 जा 105, तो -105। ओके तो 11, 16 -105 तो क्या हो जाएगा 105 में से 16 जब माइनस होगा तो -89। ओके तो 11 × -89 -979। ओके -979 तो सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एपीएस क्या होगा -979। ओके वेरी इजी सिंपल, आपको क्या करना है फॉर्मूला में क्वेश्चंस में फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने हैं और आपको उसे सॉल्व करने हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके एग्जांपल नंबर 12 एनसीईआरटी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म की वैल्यू दिया हुआ है 1050, ओके, एंड इट्स फर्स्ट टर्म और ए की वैल्यू दिया हुआ है 10, फाइंड द 20th टर्म। देखो यहाँ पे सम दे दिया है 14th टर्म तक के, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे दिया है, अब यहाँ पे फाइंड द 20th टर्म। तो अब यहाँ पे बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं है ना, कि वो क्या कर लेते हैं कि सम ऑफ 20th टर्म निकाल लेते हैं, ओके, जो कि गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, 20th टर्म की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ए 20 की वैल्यू फाइंड करना है, ना कि एस 20 की, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है कि फाइंड क्या करना है, एस 20 इज डिफरेंट थिंग एंड ए 20 इज डिफरेंट थिंग। ए 20 इज वॉट द वैल्यू ऑफ द 20th टर्म, बट एस 20 इज वॉट सम ऑफ द फर्स्ट 20th टर्म, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके तो आपको ए 20 फाइंड करना है, गिवन क्या क्या है सबसे पहले उसे लिख लो, ऐसे क्वेश्चंस में आप गिवन को सबसे पहले लिख लेना। तो सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म मींस एस 14th की वैल्यू दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ है 10 है ना, और आपको फाइंड क्या करना है ए 20 को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ओके जब ऐसा लिखोगे गिवन वैल्यू लिखोगे है ना, तो आपको इजिली क्लियर रहेगा कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे हमको मालूम है एस 14, ओके तो फॉर्मूला अप्लाई करो, एस इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी,
sum of first n term. So S14 is equals to 14 upon 2, 2 into a 10 plus 14 minus 1 d. S14 कितना है 1057 20 प्लस 14 माइनस 1 13 डी ओके 1057 टू जा 140 प्लस 13 7 जा 91 है ना 91 डी 1050 माइनस 140 इज इक्वल्स टू 91 डी ओके. तो 1050 में से 140 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 910 इज इक्वल्स टू 91 डी. तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा 910 अपॉन 91 वन जा 10 जा. तो डी की वैल्यू आ गया आपका 10. ये देखो डी की वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया. अब यहाँ पे A20 की वैल्यू फाइंड करना है. A20 मतलब कौन सा हो गया nth टर्म है ना. तो a प्लस एन माइनस वन डी जनरल फॉर्म. A20 की वैल्यू फाइंड करना है. a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगा 20 माइनस वन d की वैल्यू है 10 ओके. सो 10 प्लस 19 इंटू 10 तो 10 प्लस 190 इज इक्वल्स टू 200. तो A20 की वैल्यू क्या आ गया 200. दिस इज व्हाट योर डिजायर्ड आंसर ओके अंडरस्टूड. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि A20 और S20 दोनों अलग अलग होते हैं. बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं ओके. तो आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना है. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं ओके. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर लास्ट टर्म अगर गिवन है ना तो आपको क्या करना है फॉर्मूला दूसरा चेंज होगा. तो अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं. द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. क्वेश्चन क्या बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स ओके. पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1, 2, 3, 4 अप टू 1000 है ना. इनका सम आपको फाइंड करना है. तो अब यहाँ पे देखो ये लास्ट टर्म 1000 आपको मालूम है. दिस इज व्हाट योर लास्ट टर्म ओके. मीन्स एल इज व्हाट 1000 ओके. तो फॉर्मूला क्या है एस इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एल है ना. तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 1000 अपॉन टू. ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1000. लास्ट टर्म क्या है 1000. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 500 1001 दोनों को सॉल्व कर लो. सॉरी दिस इज व्हाट योर आंसर ओके. तो जब आपको लास्ट वैल्यू मालूम रहेगा तो आप इस फॉर्मूला को यूज करना और जब लास्ट वैल्यू नहीं मालूम है तो आप पिछली फॉर्मूला को यूज करना ओके. वेरी इजी.